वेलकम बैक टू योर चैनल फूड से फिटनेस। आज हम बनाएंगे तिल जीरा आलू। तिल जीरा आलू बहुत ही जल्दी बन जाएगा और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे आप सब्जी के रूप में भी खा सकते हो या फिर आप इसे स्टार्टर के रूप में भी खा सकते हो या फिर उपवास में भी खा सकते हो। चलिए आलू बनाना शुरू करते हैं। के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम आलू लिए हैं। इसको मैंने पहले से ही नमक डाल के बॉईल कर लिए हैं। फिर तिल लिए हैं, जीरा है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, काजू है, नींबू का रस, नमक, घी एंड करी लीव्स। सबसे पहले एक पैन में मैं 2 टेबलस्पून जितना घी ले रही हूँ। आप तेल भी ले सकते हो लेकिन घी में टेस्ट अच्छा लगता है। जब घी हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद मैं इसके अंदर जीरा ऐड कर दूंगी। उसके बाद हम इसके अंदर तिल ऐड कर देंगे। फिर जो हमने काजू लिए हैं, मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितने काजू ले रही हूँ। आपको ज्यादा पसंद हो तो ज्यादा भी ले सकते हो और इसके साथ आप मूंगफली के दाने भी ले सकते हो, वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैं ले रही हूँ करी लीव्स और इन सबको थोड़ा सा होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। फिर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। आपको अगर ज्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसके अंदर बारीक कटी हुई छोटी हरी मिर्च भी ले सकते हो। फिर नमक मैं इसमें अभी थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि मैं जब आलू बॉईल कर रही थी तब मैंने ऐड किया था, तो आप उस हिसाब से नमक ऐड कीजिए। फिर गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आलू को ब्राउन होने तक कुक होने दीजिए। लो फ्लेम पे ही कुक करना है इसे। जब ये थोड़ा सा कुक हो जाए तब इसके बाद हम इसके अंदर नींबू का रस ऐड करेंगे और इसके साथ हरा धनिया। फिर इसे अच्छे से मिक्स करके और 2-3 मिनट तक कुक कीजिए। आलू अभी हमारे बन गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व कर देंगे। मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर हरे धनिया डालकर गार्निश करेंगे। तो तैयार है तिल जीरा आलू। आप इसे बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। आप इसे बर्थडे पार्टी में, किटी पार्टी में या फिर कोई और पार्टी में भी आप इसे बना के खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।